हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यमी लाइफ। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों के लिए किस टाइप का बैग लिया जाए वाइल ट्रैवलिंग। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर जा रहे हैं रिलेटिव्स के या फिर कहीं घूमने, किस टाइप का बैग जो है वो सही रहेगा। बिकॉज बच्चे को लेके जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली जो छोटे किड्स होते हैं, सो बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, लाइक उनके डायपर्स, बेब्स, मेडिसिन, कपड़ों के आपके बहुत सारे आपको पेयर्स रखने पड़ते हैं। सो काफी सारी चीजें हो जाती हैं जो हम एक नॉर्मल बैग में कैरी करते हैं, सो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को फाइंड आउट करना, और समटाइम्स बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। सो ऑब्वियसली अगर बच्चा है सो चीजें तो आपको ले जानी पड़ेगी, बट कुछ ऐसे बैग्स हैं जो आप इजीली कैरी कर सकते हैं और चीजों को बहुत ईज से आप रख सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो बैग मैं अपने बेबी के लिए यूज करती हूँ जॉय के लिए, हु इज 15 मंथ्स ओल्ड नाउ, एंड उसके लिए मैं कौन सा ट्रैवलिंग बैग यूज करती हूँ वाइल ट्रैवलिंग, सो मेरे लिए वो कितना ईजी रहता है, कितना कन्वीनियंट रहता है, सो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एंड मैं वही बैग आपको रिकमेंड करूंगी सो डैट कि आप भी उसी ईज के साथ ट्रैवलिंग कर सके। सो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द बैग विच आई यूज फॉर माई बेबी जॉय फॉर ट्रैवलिंग। सो ये क्यों मेरे लिए कन्वीनियंट है सो मैं आपको बताती हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका फर्स्ट जो पॉकेट है, सो ये जो पॉकेट मैं आपको शो करती हूँ, सो इस पॉकेट में काफ़ी स्पेसेस है। पॉकेट प्लस फ्रंट का पॉकेट है ये, सो आप इजीली इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लाइक मेडिसिन, बच्चे का डेली केयर आइटम, एंड बच्चे की दूध की बोतल अगर बच्चा फीट पे है सो आप सकते हैं इसमें। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे सिल्वर फॉयल लगा हुआ है जिससे जो दूध है काफ़ी टाइम तक वार्म रहता है। सो वाइल्ड ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बच्चे को दूध भी पिलाना। नेक्स्ट आप देखेंगे साइड में पॉकेट दिया गया है जिसमें आप किसी भी साइज़ का बॉटल रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इलास्टिक दी गई है जिससे आप किसी भी साइज़ का जो बॉटल है वो कैरी कर सकते हैं। प्लस ये मेरे को बहुत पसंद आया था ऑप्शन, कॉज यहाँ पर आप वाइप्स रख सकते हैं, एंड ट्रैवलिंग के दौरान यू नो कि वाइप्स की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों के साथ जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो। सो यहाँ पे आपको पूरा बैग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बस यहाँ पे वाइप पुट करना है और जब भी ज़रूरत पड़े आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। सो ये वाइप के लिए ये दे रखा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बड़े पॉकेट की। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेन के साथ लिड भी दी गई है सो डैट आप एक ही बार में बैग को पूरा खोल सकते हैं, सो आपको कोई भी चीज़ को ढूंढने में या निकालने में कोई इशू नहीं होगा। एंड पॉकेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर आप शीट रख सकते हैं बच्चे की, साइड में आप रख सकते हैं बच्चे के डायपर्स, यहाँ पे इजीली 5 to 6 डायपर्स आ जाते हैं। इधर भी दो पॉकेट दिए गए हैं जिसपे मैं बिब्स और जॉय के हैंकीज यूज़ करती हूँ, आप कोई भी बच्चे का आइटम रख सकते हैं यहाँ पे। प्लस एक पॉकेट और यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आप बच्चे से रिलेटेड कोई भी आइटम या फिर अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ें रख सकते हैं। सो बात करते हैं इसके बैग की। सो बैग में भी यहाँ पे एक चेन दिया गया है जहाँ पे आप अपना पर्स या फिर अपना मोबाइल रख सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम पर हाथ में फ़ोन कैरी करना बहुत टफ हो जाता है, सो आप यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से आपका निकालना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसमें बहुत गहरा स्पेस दिया गया है, सो नीचे का आइटम हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सो पीछे की ओर भी इसके एक चेन दिया गया है जिसे आप खोलेंगे तो आप यहाँ से नीचे का जो आइटम है वो आप निकाल सकते हैं ईजिली। आप देखेंगे यहाँ पे साइड में भी एक और चेन दिया गया है, एक और पॉकेट दिया गया है जहाँ पे आप अपना कोई भी पर्सनल और कोई भी नेसेसरी आइटम रख सकते हैं अपने या बच्चे से रिलेटेड। सो काफ़ी ज़्यादा ईज़ है इस बैग को आपको कैरी करना भी। सो कैरी करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक आप इस वे में भी कैरी कर सकते हैं बैग को और दूसरा आप इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं।
इस टाइप के जो बैग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं जब आप ट्रैवलिंग के लिए कहीं पर जा रहे होते हैं, बिकॉज़ उसमें अलग अलग पॉकेट्स दिए गए होते हैं, सो आप अलग अलग जगहों पे चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। सो जिस टाइम पे अगर आपको किसी आइटम की ज़रूरत होती है सो आप ईज़िली उसे निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। सो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी सारे आइटम्स उसमें आ जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ सो मैं जो है कि काफ़ी सारे आइटम्स इसमें लाइक 4 to 5 पेयर ऑफ क्लोथ्स, उसके बेब्स, डाइपर्स, डेली केयर आइटम्स, मेडिसिंस, सो अच्छी खासे अमाउंट में आप चीज़ों को इसमें कैरी कर सकते हैं इन अ ईजी वे। इसमें जो लिड लगी है उससे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है वो ओपन करने में, और ईजिली आप एक ही टाइम पर सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ पर रखा है और ईजिली उसे कैरी कर सकते हैं। होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। एंड मैंने ये जो बैग है वो अमेजोन से मंगाया था, और इसी टाइप में इसी क्वालिटी में काफ़ी सारे आपको ब्रांडेड बैग भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेट में होंगे। सो मेरे लिए ये बैग, मुझे आई थिंक अभी 8 to 9 मंथ हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए और अभी तक ये एकदम ओके पोजिशन में है। इसका जो प्राइस है ब्रांडेड बैग से काफ़ी कम है। सो दोनों का मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं क्वालिटी एंड अदर थिंग्स। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, सो डैट आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।